अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन पाया बनाऊंगी देसी स्टाइल में। तो पाया, चार पाया ली हूँ और इसे पानी डाली हूँ, नमक, हल्दी और गरम मसाला डाल के इसे पहले बॉयल करूँगी। चार पांच सीटी लगाऊंगी, मटन का पाया जल्दी गल जाता है। और एक तरह मैं मसाला तैयार करती हूँ। तेल डाली हूँ, सरसों तेल है, इसमें जीरा है, गरम मसाला है, आपके पास जो भी है गरम मसाला आप डाल सकती हैं। तो आपकी प्याज डाल रही हूँ, दो प्याज है। अब इसे अच्छी तरह से लाल कर लूँ। उसके बाद पिसा हुआ प्याज है, ये मैं तीन प्याज को पीसी थी। अभी इसे अच्छी तरह डालकर भूनूंगी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, दो चम्मच। अब इसे भी भूनूंगी ताकि कच्चापन निकल जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर और सौंफ का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच। सभी अच्छी तरह से मैं भूनूंगी मसाले को। ये मसाले अच्छी तरह भुना रहे हैं, 5 से 7 मिनट लग गया मुझे भूनते हुए। देखिए अच्छी तरह भुना चुका है। और एक तरफ मटन भी गल चुका है पाया, अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसे मैं पकाऊंगी, 10 मिनट अच्छी तरह से पकाना है। फिर गरम मसाला और काली मिर्च डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार है मटन पाया। अब मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है और बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसमें नींबू, अदरक, हरी मिर्च डालकर खाइए, बहुत मज़ेदार लगता है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।